अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इंटेंसिटी ऑफ, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग वाले पर कि हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, 2π² f² a² ρv। ये हमारा फॉर्मूला आया था। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही थी कि पार्टिकल्स जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होती थी वेव की, किसकी। तो उसी तरीके से साउंड में भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा, पर मुझे पता है कि साउंड के अंदर जो साउंड के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहे, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एम्पलीट्यूड देख लेंगे। इस वाले एम्पलीट्यूड को हम लोग एस नॉट से डिनोट करते थे, तो एस नॉट आ जाएगा। मतलब ये बात समझ में आएगी कि जो भी इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस साउंड के अंदर हमने दो तरह की वेव पढ़ी थी, एक तो थी डिस्प्लेसमेंट वेव और एक थी प्रेशर वेव। कौन सी वेव? डिस्प्लेसमेंट वेव को हम लोग ऐसे लिखते थे, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, ना लिखो मत, ठीक है। अच्छा, प्रेशर वेव की हम लोग लिखते थे डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। हमें एक बात समझ में आ गई थी कि इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाई टू का। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है, मान लो इंटेंसिटी, क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ। तो सीधी सी बात है, इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। ये बात समझ में आती है। तो पहले मैं पावर निकाल लूं, इंटेंसिटी तो आराम से आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो पावर निकालते हैं। क्या मैं पावर को लिख सकता हूं फोर्स इंटू वेलोसिटी, लिख सकते हैं यानी, ठीक है। तो मैं पावर को लिख लिया एफ वी, एफ यहाँ पे v मतलब है जो पार्टिकल्स एसोसिएटेड है उनकी वेलोसिटी, और फोर्स मतलब उन पे कितना फोर्स लग रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा सुनो, अब इस वेलोसिटी को इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ डेल एस ओवर डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इस फोर्स को कैसे लिखूं, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ प्रेशर इंटू एरिया लिख लेते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये तो है हमारे पास क्या चीज, पावर। क्या है, जिससे कंफ्यूजन ना हो बस मैंने इसको इसलिए स्मॉल पी बना दिया है, प्रेशर को, ठीक है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे यूज करूंगा तो मेरे पास इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, ए से ए कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू डेल एस ओवर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब वो वाला प्रेशर जो कि इस साउंड वेव के साथ एसोसिएटेड है वो है यहाँ पर एक्सेस प्रेशर। कौन सा प्रेशर, तो इस P की जगह मैं ये पूरा डाल दूंगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, जहां पे इस P नॉट का मतलब हो जाएगा फिर एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, और P का मतलब हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P डेल एस ओवर डेल टी, और P की मैं वैल्यू रख देता हूँ क्या चीज, P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, और मल्टीप्लाई में है डेल एस ओवर डेल टी, डेल एस ओवर इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एस नॉट और ओमेगा आगे और साइन का हो जाएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा एस नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा ओमेगा पी नॉट एस नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या आ गई हमारे पास इंटेंसिटी, क्या आ गई, मतलब कि मैं किसी भी टाइम टी पर इंटेंसिटी बता सकता हूँ वेव की। क्या है, मतलब ये है इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी। कौन सी इंटेंसिटी, पर हमें बार बार जरूरत पड़ती है एवरेज इंटेंसिटी की, किसकी, तो एवरेज निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, आई एवरेज, आई मतलब क्या बात समझ में आ रही है, इस इंटेंसिटी का एवरेज ले लू, और कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, 1/2। तो साफ साफ ये क्या आ जाएगा, ओमेगा पी नॉट एस नॉट ओवर। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे पता है हमने ये चीज देखी थी कि हमारा डेल्टा पी नॉट, जिसको मैंने यहाँ पे पी नॉट से रिप्रेजेंट करा है, तो हमारा पी नॉट आता था बीटा के एस नॉट, बीटा के, याद है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ पी नॉट की जगह बीटा के एस नॉट, और उल्टा ऐसे भी यूज कर सकता हूँ कि एस नॉट इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन बीटा के। क्या बात समझ में आ रही है। जिसके भी टर्म्स में हमें आंसर चाहिए होगा उस टर्म्स में निकाल लेंगे, एक एक बार निकाल लेते हैं दोनों, एक बार पी नॉट की जगह रख देते हैं बीटा के एस नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा ओमेगा के एस नॉट स्क्वायर अपॉन टू। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा मुझे बताना, हम ये लिखते थे v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन, यहाँ पे v कौन सी वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रही है। तो सीधी सी बात है, ये जो मेरे पास ओमेगा आ रहा है इसको मैं v के लिख सकता हूँ,
है ना, और जो के आ रहा है उसको मैं ओमेगा अपॉन वी लिख सकता हूँ। एक काम ऐसे करता हूँ, मैं के को लिख देता हूँ ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा अपॉन, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बीटा ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर अपॉन टू बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरे को इसी तरीके से ये फॉर्मूला प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में चाहिए होता, किसके टर्म्स में, यानी कि पी नॉट के टर्म्स में, तो हम एस नॉट की जगह रख देते, क्या रख देते, पी नॉट अपॉन बीटा के। तो क्या हो जाता, ओमेगा पी नॉट स्क्वायर अपॉन टू बीटा के। क्या बात समझ में आ रही है? और फिर मैं इस ओमेगा बाई के की जगह वी लिख सकता हूँ, वेव वेलोसिटी, तो क्या हो जाता, पी नॉट स्क्वायर वी अपॉन टू बीटा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो, दोनों से ही हमारे पास एक चीज निकल के आई कि जो एवरेज इंटेंसिटी है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर, एंड दिस एवरेज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे एस नॉट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, और पी नॉट मतलब प्रेशर वाली वेव का एम्पलीट्यूड। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात यहाँ से भी निकल के आई कि जो एवरेज इंटेंसिटी होती है साउंड वेव की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर, और एवरेज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रखें। तो सेम बात समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली जैसा इंटरफेरेंस वेव्स ऑन स्ट्रिंग या फिर लाइट वेव्स का होता था, एग्जैक्टली वैसा इंटरफेरेंस इनका भी होगा, क्योंकि वहां पे भी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती थी, और ऐसे ही यहाँ पर भी होती है। फर्क खाली इतना है कि वो लोग ट्रांसवर्स वेव होती थी और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, बाकी सारी कहानी सेम है। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? बोलो, समझ में आ गया ये? ठीक है, अच्छा इतना उतारो, तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गन पाइप्स, है ना, स्टैंडिंग वेव्स में घुस जाएंगे साउंड्स में। अब ध्यान सुनना, जैसे हम लोगों ने तब डिस्कस किया था, क्या चीज, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ, ऐसे यहां पे क्या आएगा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। एग्जैक्टली सेम चीज है, पूरा करने वाले नहीं है हम, वहां पे किया था इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। इस बार क्या होगा, दो ऐसे सोर्सेस होंगे जो साउंड सोर्सेस हैं। कैसे सोर्सेस हैं, S1 और S2, S1 और ये दोनों कैसे हैं, कोहरेंट। कैसे कोरेंट मतलब क्या है, कि इनकी वैसे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के साथ में फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा, यही होता था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर इनसे होकर वेव पहुंची, इनसे होकर वेव, इन सोर्सेस ने अपनी वेव छोड़ी है और इस पॉइंट पी पे पहुंची, तो इस पॉइंट पी को इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स मिलेंगे, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर ऐसी में प्रेशर की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रेशर कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी। यार अगर मेरे को यहाँ पे नेट प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, तो दोनों के प्रेशर्स भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि साउंड के साथ में एक नहीं दो तरह की वेव को हम एसोसिएट कराते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट वेव और एक प्रेशर वेव। क्या मेरी बात याद रखना बस। तो ये समझ में आ रहा है कि यार यहाँ से इसने अपनी वेव एमिट करी, इसने अपनी वेव एमिट करी, इस पॉइंट पी वाले पार्टिकल को दोनों वेव्स मिली, दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट मिला और दोनों वेव्स का प्रेशर भी मिला। बात समझ में आ रही? मान लो मैं पहली वाली जो वेव आई उसके प्रेशर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गया, कॉस लिख लो साइन लिख लो कोई दिक्कत नहीं उससे, कभी साइन वाली होगी कॉस वाली होगी, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, ऐसी होगी मान लो। फिर ठीक है, अपन इनिशियल फेज को जैसे पहले नहीं लिया था, अब भी नहीं ले रहे, दोनों का इनिशियल फेज डिफरेंस जीरो मान लें। पी टू क्या हो गया, पी टू हो गया पी नॉट टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? तो दोनों वेव की वजह से इसको जो डिस्प्लेसमेंट मिला, मान लो इससे ये दूरी पर है एक्स वन पर और इस पर एक्स टू पर, तो यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू आ जाएंगे, और नेट जो प्रेशर होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज टू प्रेशर पी वन प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से इंटरफेरेंस होगा, और जो चीज हम लिखते थे वही चीज आएंगी। इसका मतलब क्या चीज आएंगी, कि जब जब पाथ डिफरेंस, जब जब एन लेमडा का मल्टीपल, मतलब लेमडा का पूरा मल्टीपल होगा, तब तब कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, याद है? और जब जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई टू का लेमडा बाई ऑड मल्टीपल होगा, तब तब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। के बात समझ में आ रही है? बोलो, और इंटेंसिटी के मैक्सिमम या मिनिमम उसी के हिसाब से देखे जाएंगे, यहाँ पर मैक्सिमम होगी और यहाँ पर, क्या बात समझ में आ रही है? वो सारा प्रोसेस हम लोग कर लेंगे। हम लोग यहीं पर आगे बढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स की तरफ। किसकी तरफ, स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, जब दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली बराबर है, दो बराबर एम्पलीट्यूड वाली वेव अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट एक दूसरे को अप्रोच करती है, तो जब उनका कंप्लीट सुपर पोजिशन होता है तो उसकी वजह से क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है, नहीं बनती। अच्छा तो मैं ऐसा याद है, स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी कैरी नहीं करती, किसी भी एक लूप की एनर्जी फिक्स होती है, हमने एक लूप की एनर्जी भी निकाली थी, निकाली थी नहीं निकाली थी, और स्टैंडिंग वेव्स के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ ही तो अपनी मैक्सिमम पोजिशन पे जाते हैं, और एक साथ ही मीन पर आते हैं, और एक साथ ही फिर दूसरी वाली एक्सट्रीम पर जाते हैं।
ये बात समझ में आती है तुम्हें? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग वेव्स, किस कौन सी वेव्स? इस बार हमें स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करानी है साउंड की। किसकी? तो ऐसा कराया जाता है ऑर्गन पाइप्स के अंदर। किसके अंदर? ऑर्गन पाइप ऐसे समझ लो, बहुत ही ऐसे सिलेंड्रिकल की पाइप, ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप है, जैसे बांसुरी नहीं होती ऐसे करो, वो छेद सारे ब्लॉक कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ऐसी एक पाइप जैसी चीज है। अब मैंने क्या करा है, एक बार मेरे पास ऐसी पाइप है जिसमें कि ये वाला एंड भी खुला है और ये वाला एंड भी, ऐसी ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड खुले हुए होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन, क्या बात समझ में आती है? बोलो। अब तुम्हें सीधी सी बात पता है कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो इधर इधर कोई जो भी इसके अंदर जो पार्टिकल्स भरे हुए हैं एयर के, इधर कोई ऐसा तो नहीं है जिसको भाई पक्का है, भाई ठोक रखा है इसको नोड बनना है किसी से अटैच हो, इधर भी कोई ऐसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पर तुम्हें पता है कि पार्टिकल जो अच्छे से खूब ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो सकता है, और यहाँ पे भी पार्टिकल इधर से खूब डिस्प्लेस हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की नोड बनेगी, एंटी नोड। एंटी नोड, क्या बात समझ में आती है? बोलो। और इसके अंदर भी हमारे पास तरह तरह केस बनेंगे, ध्यान सुनते धीरे धीरे करके। एक बात पक्की है कि जब यहाँ पे प्रेशर का, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, क्या बनेगा? तो प्रेशर का क्या बनेगा? नोड। ये बात समझ में आ रही है इधर से, क्योंकि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ था तो प्रेशर यहाँ था, जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ था तो प्रेशर यहाँ था, मतलब जब जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तब तक प्रेशर मिनिमम होगा। ये बात समझ में आ रही है? जब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड तो प्रेशर का नोड। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इन पॉइंट्स पर, इधर वाले पॉइंट पर और इधर वाले पॉइंट पर प्रेशर का, साउंड वेव है इसके अंदर, साउंड वेव की स्टैंडिंग वेव बननी है, उसके अंदर प्रेशर का क्या बनेगा? नोड। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब यहाँ और यहाँ प्रेशर का नोड बनेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट केस, सबसे फंडामेंटल केस मैं क्या देख सकता हूँ? इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे फंडामेंटल केस ऐसा हो सकता है कि प्रेशर की स्टैंडिंग वेव ऐसी लगे दिखने में। क्या बात समझ में आ रही है? पहले एक लूप बनी बनेगी, फिर तीन, ऐसे एन लूप्स वाली बनाते चले जाएंगे हम लोग। यही बात समझ में आई तुम्हें? ये कौन सी वेव है? प्रेशर वेव। कौन सी वेव? और प्रेशर वेव का क्या क्या बना है? यहां पर क्या है? नोड। यहां पर क्या है? और यहां पर बीच में क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? बोलो। अच्छा, सीधी सी बात है, जैसे उसमें इक्वेशन आती थी ऐसे इसमें भी एक इक्वेशन आएगी। वहां पे स्टैंडिंग वेव की हमारे पास इक्वेशन आती थी 2a sin kx cos ωt, याद है क्या? तो ऐसे यहाँ पे भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आएगी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, प्रेशर वाली बना तो प्रेशर वाली लिख देता हूँ। पी नेट जो होगा, पी नेट विल बी, वहां पे आती थी हमारी 2a, तो यहाँ पे 2 × प्रेशर का एम्पलीट्यूड sin kx sin cos ωt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एग्जैक्टली सेम वही कहानी होगी, हमें पता है नोट्स कहाँ कहाँ पर बनेंगी। जैसे अभी ये वाला केस है तो इसमें नोट्स कहाँ कहाँ पर बनेंगी? एक तो यहाँ पर बन गई, और एक हमें पता है नोट्स तब तब बनती हैं जब जब ये एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, मतलब साइन के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। साइन के एक्स की वैल्यू कब जीरो होगी? फॉर नोट्स, एक बार लिख ही लेते हैं, फॉर नोट्स। हाँ, याद तो है, फॉर नोट्स साइन के एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना? साइन के एक्स जीरो होने के लिए के एक्स की वैल्यू एन पाई होनी चाहिए, ठीक है? और फिर इस के को लिख देते हैं हम लोग 2π/λ इज इक्वल टू एन पाई इंटू एक्स है यहाँ पर, है ना? और ये पाई से पाई चला जाता था तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिखते थे? एन लेमडा बाई टू। क्या बात है, याद आ रही है? बोलो। एन लेमडा बाई टू लिख लिया हमने, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब जब जो एक्स की वैल्यू जीरो, या फिर लेमडा बाई टू, या फिर 2λ/2, या फिर 3λ/2, या 4λ/2, ये सारी जब वैल्यूज होंगी एक्स की तब तब क्या बनेगी? नोड। और ऐसी एंटी नोड कब कब बनती थी? फॉर एंटी नोड्स, फॉर साइन के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन हो। और उस केस में हमारे पास क्या आता था? ये जो के एक्स है ये ऑड ऑड पाई बाई टू हो, आता था? नहीं आता था। अरे इसमें आ ही नहीं रहा यार, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, इसमें दिख ही नहीं रहा। ये नीचे का भी गायब सही है। फॉर एंटी नोड्स क्या जाएगा? साइन के एक्स इज इक्वल टू 2n+1π/2, सॉरी के एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे k की जगह वही रख देंगे पिछली बार की तरह 2π/λ, पाई से पाई चला जाता है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 2n+1λ/4, यानी कि x की वैल्यू या तो λ/4 हो, या फिर 3λ/4 हो, या फिर 5λ/4 हो, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 हो, तब तब एंटी नोड बनेंगे।
और ये नोड या एंटी नोड, मैं ये जो फिलहाल में लिख रहा हूं ये किसके नोड या एंटी नोड है, प्रेशर के। किसके? डिस्प्लेसमेंट वाली अगर मेरे को बनानी है वेव, तो जस्ट इससे उल्टी होगी। मतलब अगर मेरे को सी में डिस्प्लेसमेंट वाली स्टैंडिंग वेव नोट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? जहां पे प्रेशर का नोड वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, मतलब यहां पर मेरे को तब वो ऐसी बनानी पड़ेगी, और जहां पर प्रेशर का एंटी नोड है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, यहाँ कहीं बीच में। फिर ऐसे मतलब ये वेव फिर बनेगी ऐसी। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। ये जो डॉट डॉट वाली है ये तो प्रेशर वाली है, और ये जो सॉलिड लाइन वाली है ये डिस्प्लेसमेंट वाली है। क्या बात समझ में आई? अच्छे से ऐसी। हम तो क्या है ना, अपन नॉर्मल करेंगे प्रेशर वाली से, क्योंकि सबसे आसान उसी से पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे सिंपल देखते चलेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें उल्टा समझते चलो बस। ओपन ऑर्गन पाइप है, और फॉर्मूले वही आएंगे जैसे कि हमने पिछली बार करे थे, फिक्स्ड स्ट्रिंग वाला। जैसे फिक्स्ड स्ट्रिंग में दोनों इधर इधर नोड्स बनते थे, ऐसे इस वाली में ओपन ऑर्गन पाइप में इधर इधर नोड बनने प्रेशर के। तो एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूला आएंगे जैसे कि फिक्स्ड स्ट्रिंग वाले आते थे। बात समझ में आ रही है? इतना पहले तुम नोट करो, फिर आगे हम इस ओपन ऑर्गन पाइप में आगे की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से आगे बढ़ के और केसेस देखते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप में सारे केसेस देखते हैं कि कैसे कैसे फ्रिक्वेंसीज, वेवलेंथ सब चेंज होंगी। करते हैं पूरा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जिसको पुराना याद है, दोनों एंड फिक्स वाला, एक एंड फिक्स वाला, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो हम लोग उसी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, किसके अंदर, ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर आते हैं सारे केसेस पर। सबसे पहला वाला केस, सबसे पहला वाला केस, मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है ये, जिसके दोनों एंड्स ओपन है, और इसके अंदर सबसे फंडामेंटल जो प्रेशर वेव बनेगी, प्रेशर की स्टैंडिंग वेव बनेगी, वो ऐसी वाली बन सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। इसके अंदर हमें पता है दो नोड्स हो गए और एक एंटी नोड हो गई। मान लेते हैं ये जो ऑर्गन पाइप है क्या है, इसकी लेंथ है कुछ एल, कितनी? तो सीधी सी बात है, इस एल लेंथ के अंदर इस स्टैंडिंग वेव का एक लूप बन रहा है, और एक लूप के लिए ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, लैम्डा बाई टू। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूँ कि लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू टू। क्या बात समझ में आती है? अब मान लो मेरे को फ्रिक्वेंसी लिखनी है वेव की, क्या लिखनी है, फ्रिक्वेंसी। तो क्या लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी होती है हमारी वी वाई लैम्डा, वी वाई, वेयर वी इज द वेव वेलोसिटी, वी इज द। अब क्या मेरे को पता है कि इसके अंदर साउंड की कितनी रफ्तार, देखो हमें पता है एफ इज इक्वल टू वी वाई लेमडा है, वी वाई लेमडा। अब यहाँ पे वी की जगह अंडर टी वाई म्यू इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग पर वेव थोड़ी ना है, वो तो तब लिखते थे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दूंगा और लिख दूंगा वन अपॉन टू एल इन टू वी, यानी कि वी वाई टू एल, वी वाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जैसे भी मीडियम होगा वो लगा देंगे अंडर रूट पी, अंडर रूट गामा पी वाई रो, अंडर रूट गामा आर टी वाई एम, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगला केस देखते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है इस वाली फ्रिक्वेंसी को सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। क्या बात समझ में आती है? पहले भी ऐसा कर चुके हैं हम लोग, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इसका एक और नाम है क्या, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बात समझ में आती है? बोलो। अच्छा, तुम्हें ये बात समझ में आती है? ये साउंड वेव तभी बनी होंगी जब इसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे करके हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेशंस कर रहे होंगे। इसका मतलब कि मान लो ये बनाई गई किसी ट्यूनिंग फॉक की मदद से। किसकी मदद से? ट्यूनिंग फॉक को ऐसे रखा गया होगा, ध्यान सुनना। और इसके एक ये जो प्रोंग है, क्या है, प्रोंग्स, प्रोंग्स होते हैं दोनों, इसके एक प्रोंग को ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कराया गया होगा, जिसकी वजह से इस मीडियम के सारे पार्टिकल्स में ऐसे ऐसे वाली वाइब्रेशन पास आउट हो गई है, और जिसकी वजह से ये एक साउंड वेव और उसके तहत एक स्टैंडिंग प्रेशर वेव इसके अंदर सेटअप हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? अगला हम लोग अगले वाला केस करते हैं। हमारी ऑर्गन पाइप एज इट इज यही है, जिसकी लंबाई कितनी है एल, जिसकी लंबाई कितनी है, और इसके अंदर नेक्स्ट मोड पर आते हैं। नेक्स्ट मोड पर, नेक्स्ट मोड के अंदर इसकी जगह एक नहीं दो लूप बनेंगे, और दो लूप ऐसे बनेंगे कि यहां पर तो नोड सी बननी है प्रेशर वेव की। क्या बात समझ में आ रही है? तो बीच में एक और नोड बन जाएगी, और उस तरीके से जो हमारी प्रेशर वेव है वो दिखने में कैसी लगेगी, कुछ ऐसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर यहां पर नोड, यहां पर एंटी नोड, यहां पर नोड, यहां पर एंटी नोड, और फिर से यहां पर नोड। क्या बात समझ में आ रही है? और मैं क्या लिख दूंगा, इस बार दो लूप बन गए, इसका मतलब मैं लिख दूंगा लैम्डा इज इक्वल टू एल, और फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, टू वी वाई टू एल, टू वी वाई, मैंने वी वाई एल को टू वी वाई टू एल लिख दिया, क्योंकि ये वाली फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के टू टाइम्स है, इसलिए हम इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलते। क्या बात समझ में आ रही है? और फर्स्ट ओवरटोन बोल देंगे, बहुत बढ़िया, सिंपल ही तो है। अब तुम्हें पता है अगला वाला क्या आने वाला है, क्या आएगा अगला, एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं।
ये एल लेंथ हो गई, और इसके अंदर इस बार तीन लूप आ जाएंगे एग्जैक्टली वैसे ही। यहाँ पर एक एक दो नोड और आ जाएंगे बीच में, क्या बात समझ में आ रही है? और लूप कितने बन जाएंगे? तीन। कितने? क्या बात समझ में आ रही है? और इस बार तीन लूप आए हैं इसलिए थ्री लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई थ्री, और फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? थ्री वी बाई टू एल। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। ठीक है भाई, ऐसे ही अगला करते हैं हम लोग। अगले केस में जनरलाइज कर देते हैं जब हमारे पास एन लूप्स हो जाए। कितने हो जाए? अच्छा, ये लूप्स किसके बनने हैं? स्टैंडिंग प्रेशर वेव के। स्टैंडिंग तो एन लूप हो गए मान लो। जब एन लूप हो जाएंगे तो एन लेमडा बाई टू एल लेंथ के अंदर आ गए, तो मैं क्या लिखूंगा? एन लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू टू एल बाई एन, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एन वी बाई टू एल। क्या बात समझ में आ रही है? और ये वाली हार्मोनिक को हम कौन सी बोलेंगे? एंथ हार्मोनिक। क्या बात समझ में आ रही है? और एन माइनस वन ओवर टू। बहुत बढ़िया, सिंपल ही तो है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूले, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली वैसी लग रही हैं। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लो। ठीक है भाई, आगे पढ़ें। अगला हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कैसी ऑर्गन पाइप? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऐसी ऑर्गन पाइप होती है जिसका एक एंड जिसका क्लोज हो। यहां से क्लोज कर दिया ये। जब यहां से मैंने क्लोज कर दिया तो पक्की बात है, सुनना ध्यान से, जो यहां यहां वाले जो पार्टिकल्स जो इस एज पे लाई कर रहे हैं, वो इसको फाड़ कर ऐसे बाहर तो नहीं आ सकते। इसका मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ, ये वाले पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो यहां से कोई ऐसे कुछ हिट करता हुआ, मान लो मैंने एक ट्यूनिंग फोक लगा दिया, क्या लगा दिया? और इस ट्यूनिंग फोक की वजह से ऐसे कोई वाइब्रेशन आई जो कि इन मॉलिक्यूल्स को एकदम से ऐसे हिट करती है, तो इधर वाला मॉलिक्यूल अपने बगल वाले को इधर सरकाएगा, इधर वाला इधर सरकाएगा, इधर वाला इधर सरकाएगा, ऐसे सब सरका रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला जो पार्टिकल होगा वो इधर सरकने से मना कर देगा। ये बात समझ में आ गई? क्यों? जा ही नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की नोड बनेगी, डिस्प्लेसमेंट की। और सीधी सी बात है, जब डिस्प्लेसमेंट की नोड बनेगी तो प्रेशर की क्या बनेगी? एंटी नोड। तो यहाँ अच्छा, तो एज यूजुअल जैसा हम बनाते थे, यहां पर तो प्रेशर की नोड बना दूं और यहां पर प्रेशर की क्या बना दूं? एंटी नोड। तो जो सबसे फर्स्ट एकदम जो फंडामेंटल हार्मोनिक हो सकता है, फंडामेंटल मोड हो सकता है इसके वाइब्रेशन का, वो ऐसा हो सकता है ना जिसमें प्रेशर वेव ऐसी वाली बने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? फंडामेंटल मोड। और इसके दौरान जो फ्रिक्वेंसी आएगी दैट विल बी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, मान लेते हैं ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी है? एल। कितनी? अच्छा, तो मुझे बता सकते हो इसके अंदर कितने लूप बने? आधा लूप। कितना लूप? लेमडा बाई फोर हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? इस केस में लेमडा बाई फोर इज इक्वल टू एल, और लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया? फोर एल। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? वी बाई फोर है। और इसी फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या बोल देंगे? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? अब तुम्हें भी पता है, ये नेक्स्ट मोड आता जाएगा, एक एक लूप ऐड होता चला जाएगा, बाकी कहानी वही चलनी है, डिट्टो सेम जैसा हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आगे हम अगली सेम टू सेम एक ऑर्गन पाइप मान लेते हैं। ऑर्गन पाइप की लेंथ हो गई एल। क्या हो गई? और इसके अंदर एक और मोड एड अप हो गया, मतलब एक और लूप ऐड हो जाएगा। जब एक और लूप ऐड हो जाएगा तो दिखने में जो लगेगी वो ऐसी लगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो नोड ही बनना है और यहाँ पर एंटी नोड ही बनना है, एक और लूप ऐड करना है, तो ऐसा हो सकता है, देखना ध्यान से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये कौन सी वाली वेव बन रही है? प्रेशर वेव। कौन सी वेव? क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर थ्री लैम्डा बाई फोर आ गया एल लेंथ के अंदर, तो थ्री लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू एल, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई फोर एल बाई थ्री, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? थ्री वी बाई फोर एल। क्योंकि ये वाली फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के तीन गुना है, इसलिए ये वाली को हम क्या बोल देते हैं? थर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? और ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से जस्ट नेक्स्ट वाली है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेकंड ओवर। क्या बात समझ में आ रही है?
सेकंड ओवरटोन या फर्स्ट ओवरटोन? फर्स्ट ओवरटोन, उससे जस्ट बाद वाली है ना। पिछली बार तुमने गलत तो नहीं लिख लिया, सही लिखा है पिछली बार? ठीक है ठीक है। उससे अगला हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। एग्जैक्टली सेम, मैंने फिर से एक ऑर्गन पाइप ली और उसके अंदर मैं फिर इस ट्यूनिंग फोर्क को नेक्स्ट मोड में एक्साइट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्साइट। तो इससे नेक्स्ट हाइयर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और इससे नेक्स्ट हाइयर फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो हमें निकालनी है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर उसके अंदर एक की जगह यहाँ पर एक और लूप एड हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखना, ध्यान से देखना कैसी वेव बनेगी। क्या समझ में आ रहा है कैसी वेव बन रही है ये? बोलो। ये लेंथ हो गई एल, कितनी इस बार? 5λ/2 आ गया, 5λ/4, 5λ/2, तो 5λ/4 इज इक्वल टू एल, यानी कि लेमडा हो गया 4L/5। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कितनी हो गई? 5V/4L। तो इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा हार्मोनिक हो गया? फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवर टोन। ठीक है, ऐसे हम लोग लास्ट केस करते हैं, एकदम जनरलाइज्ड केस। उसके अंदर क्या हो जाएगा? इसी ऑर्गन पाइप के अंदर, इसी ऑर्गन पाइप के अंदर ऐसे तो एन लूप्स आ जाएंगे, और आधा लूप ये, आधा लूप। तो कैसा बनेगा ध्यान से देखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर लूप्स कितने हो गए? n प्लस हाफ लूप्स, n प्लस हाफ लूप्स। लेंथ तो इसकी l है, तो इसके अंदर कितनी कितनी वो वेवलेंथ हो गई? हर एक लूप के लिए वो हो जाती है λ/2। एक लूप λ/2 वो लेंथ ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो λ/2 प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा? n प्लस हाफ λ/2 इज इक्वल टू l। के बात समझ में आ रही है? बोलो। क्योंकि एन प्लस हाफ लूप है, हर एक लूप λ/2 ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लेमडा लिख सकता हूँ। क्या लेमडा हो जाएगा मेरे पास? फाइनली ये हो जाएगा 4L/2n+1, 4L/2n+। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी इससे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2n+1/4L × V × क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है? 2n+1 टाइम्स। इसलिए कौन सा हार्मोनिक हो गया? 2n+1 हार्मोनिक, 2n+1। ठीक है, लेकिन ये ओवरटोन कौन सा है ध्यान से देखना। फर्स्ट ओवरटोन था तो थर्ड हार्मोनिक, 2n+1 रूल को ऑबे कर रहा है। 2 × 1+1 3, ऐसे यहाँ पे 2 × 2+1 5, यानी कि ये वाला कौन सा हो जाएगा? nth ओवरटोन। क्या बात समझ में आ रही है?